बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। कैसे करेंगे बाढ़ का विकास, क्या है ब्लूप्रिंट? पिछले बार हम 17 में चुनाव लड़े थे, 1861 व्यक्ति का आशीर्वाद हमको मिला। थोड़ा सा निराशा के कारण हम चुनाव हार गए, मगर पूरे 5 साल समाज के बीच में समर्पण के भाव से लगे रहे। भ्रष्टाचार और दलाली का इतना बड़ा पेड़ हो चुका है, जिस पेड़ को काटने के लिए हमारे साथ युवा और हमारे साथ गार्जियन का आशीर्वाद मेरे साथ है। हम चुनाव जीतने के साथ इस भ्रष्टाचार को हटाने का काम चहुंमुखी विकास ही मेरा संकल्प। क्या नाम हुआ? जीत के प्रति क्या आशा? जीत के प्रति है कि जनता मेरे लिए एक व्यक्ति हमको बेटा कह के पुकार रहे हैं, नेता करके नहीं पुकार रहे हैं। हर व्यक्ति कह रहे हैं कि बेटा है, मेरा भाई है। क्या प्रोजेक्ट? मेरा नाम विनय कुमार वाला हूँ। क्या रही डिप्टी मेयर पद के लिए, क्या कहेंगे इस पूरे मौके पे? इस मौके पर तो यही कहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। डिप्टी मेयर बनने के बाद कैसे पटना का विकास करेंगी, कुछ ब्लू प्रिंट? कोशिश तो करेंगे अभी से अच्छा हो। काम करेंगे जिस तरह से, जो योजना है वो योजनाएं नहीं मिल पा रही जनता को, कैसे मिलाएंगी? नहीं, पूरा करने का पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? कुसुम देवी। देखिए, अच्छा संयोग है कि सन 2002 से चुनाव लगातार नगर निगम के हो रहे हैं। इसके पहले काफ़ी अरसे तक त्रिस्तरीय सरकार का गला घोट कर रख दिया गया था, तो आज समझ लीजिए कि 5वीं बार चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र बहाल है शहर में, अपने आप में बड़ी बात है। और पिछले 5 साल में माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू के नेतृत्व में इस शहर ने बदलाव देखा है, और वो बदलाव जो है बतौर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होने के नाते मेरा भी सौभाग्य रहा कि पटना का जो भी नीति निर्धारण हुआ उसमें मेरा भी योगदान रहा, माननीय महापौर का साथ देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और शहर के लिए अपने वार्ड से अलग जाकर के पूरे शहर के डेवलपमेंट में मेरी भी भूमिका रही, ये मेरे लिए संतोष और दिली संतुष्टि की बात है। और रही बात अपने वार्ड में, तो चूंकि मेरा वार्ड पिछले 15-20 सालों से काफ़ी उपेक्षित रहा, जो लोग वहाँ जनप्रतिनिधि चुन के आए, मेरा अपना नज़रिया है कि शायद उनको समझ में नहीं आया कि पार्षद क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सरकार क्या होती है। तो चूंकि मुझे सरकार में रहने का भी मौका मिला, तो मैंने सरकार के तंत्र का सदुपयोग करते हुए, उनकी जो ताकत थी उसका उपयोग करते हुए वार्ड संख्या 48 के विकास में जितना कुछ कर सकते थे मैंने किया है। चूँकि इसी दौरान जो है 2 साल कोरोना का समय भी रहा, जिसमें विकास की गति अवरुद्ध हुई, बावजूद इसके 3 साल में हमने अपने वार्ड के जितने भी आधारभूत संरचनाएं थी उसके विकास से लेकर के गरीबों के हित में जितने भी निर्णय लिए जाने थे वो तमाम निर्णय, चाहे जलापूर्ति की समस्या हो उसका निदान हो, सड़क नाली गली की समस्या हो उसका निदान हो, बिजली की समस्या हो उसका निदान हो, सामुदायिक भवनों का निर्माण, ऐसे तमाम चीज़ें हम लोगों ने वहाँ उपलब्ध कराया है। लोगों को तकरीबन 7,000 राशन कार्ड बना करके हमने अपने वार्ड के लोगों को देते, ऐसी चीज़ें हैं जो आशा करते हैं कि लोग का प्यार और विश्वास हम पे बना रहेगा। साथ के लिए हमने पार्षद पद के लिए नामांकन किया है। पिछले कितने साल से आप मैदान में उतर रहे हैं? पिछले एक साल हमारा एक टर्म हो गया है, दूसरा टर्म के लिए हमने नामांकन किया। क्या कुछ काम बचा हुआ है, अगर जीत कर आते तो उसका काम करेंगे? सबसे पहला काम हम लोगों का है वाटर सप्लाई देना, हमारे वार्ड में वाटर सप्लाई की कमी है, ये हमें अवश्य पूरी करनी है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का? बढ़िया है, चूँकि पूर्व में वर्तमान पार्षद रह चुके हैं और अच्छा मेरा रिस्पॉन्स है, लोगों का रुझान बढ़िया है। नाम? मेरा नाम जयप्रकाश शाही हुआ, वार्ड संख्या 7। वार्ड 59 से आप खड़ा हो रही हैं, आज नॉमिनेशन करके निकली हैं, क्या कहेंगे, कैसे कमर मजबूत, कैसे जनता के बीच जाएंगी? मैं उस वार्ड का विकास करने आई हूँ, जो भी कमी रह गई है उसको पूरा करने आई हूँ। आपकी प्रतिद्वंदी भी महिला होंगी, आप भी एक महिला है, तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे और कैसे उन्हें शिकस्त देने का काम करेंगी? महिलाओं को मैं कहूंगी कि बाहर निकलें, शिक्षा पे ज़्यादा जोर दें, अपने ऊपर जोर दें, आत्मनिर्भर हो। वार्ड में क्या कुछ समस्याएं रह गई हैं?
वार्ड में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, मैं उन पर विचार करूंगी। आज क्या कुछ किया गया विकास भवन में? बहुत कुछ किया गया है, जैसे मोटर खराब हो गया था, मोटर लगाया गया, बहुत जगहों पे नलें लगाई गई हैं, बिजली के खंभे जो थे वो सब गिर गए थे, उन खंभों को लगाया गया था। आज नॉमिनेशन करके निकली बोली? आज मैं नॉमिनेशन करके निकली हूँ। जनता का साथ और समर्थन कैसा मिल रहा है? बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है, जनता का साथ और समर्थन बहुत बढ़िया मिल रहा है। किसान करके निकल रहे हैं, क्या प्राथमिकता होगी बाढ़ में? बाढ़ में जो छूटा हुआ काम है वो होगा, सामुदायिक भवन का काम बाकी है वो होगा। क्या कह रहे हैं, बाढ़ में किस तरह से काम किया जाएगा इस बार, किस तरह से विकास की गंगा रहेगी? हमेशा नए नए नियम कानून, नए नए सरकार की तरफ से ऑक्शन आते हैं, बिना रुके हुए हमारा जो ऑफिस है वार्ड ऑफिस 24 घंटा खुला रहता है। नॉमिनेशन करके आ रहे हैं जी, आज नॉमिनेशन करके आए हैं और अब जनता के बीच जाएंगे। क्या कहेंगे इस पूरे मौके पे? मैं नॉमिनेशन किया हूँ अपने वार्ड के जनता को फिर से सेवा करने के लिए, कि पूर्व में जितना 5 साल 2012 से 17 में किया हूँ, पुनः जनता ने कहा कि आप जाओ नॉमिनेशन करके आओ और मेरी सेवा करो, मैं उनका सेवा करने जा रहा हूँ और जो हैं उनकी विदाई तय है इस बार। विजय समस्या क्या है उस वार्ड में? ज्यादा भी इस वार्ड में समस्या ही समस्या है, अगर गिनाना शुरू करेंगे तो आपका लगता है इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। एक ही एक समस्या रहता है ना उस वार्ड में, अभी तक जो अभी चंद दिनों तक डाक खाना था बंद हो गया है, हॉस्पिटल नहीं है, बहुत वह मैटर है। मैं आया तो उस वार्ड में पानी लाया 2017 के पहले 12 से 17 तक, और इस बार जनता को 5 बहुत बड़ी काम देने जा रहा हूं, इसको शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके 5 रुपया में भोजन, एम्बुलेंस, ये सब मुद्दाएं हैं। कैसा समर्थन और साथ मिल रहा है बाड़ में? अपार समर्थन है, अपार समर्थन। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।